अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो है हमारे ग्री एसी इन्वर्टर के E6 एरर के बारे में। उस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा है आउटडोर यूनिट का बोर्ड। तो इस बोर्ड में जो आपने जो चीज़ें चेक करनी है E6 एरर को रिमूव करने के लिए, वो आपने सबसे पहले इसका ये ब्रिज निकाल के, ये इसका ब्रिज है, आप देख सकते हैं ना रिवर्स साइड पे। ये इसके टर्मिनल हैं, ये दो एसी के, और ये आउटपुट है इसकी। आप इसको सर्किट से निकाल के, इसको सप्लाई दे के इन दोनों को, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये कंपोनेंट अगर ठीक हुआ, प्रैक्टिकली आप इसको चेक करेंगे मीटर की मदद से। और उसके बाद ये जो दो कंपोनेंट लगे हैं इसके, वैसे तो देखने में ईफीटी या ट्रांजिस्टर हैं, लेकिन एक्चुअली ये है IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इन्होंने आपको ये चेक करने होंगे। अगर ये शॉर्ट हुए तो चले आए इनको, अब हम देखते हैं मज़ीद इसका हम क्या करते हैं, इसको निकाल के हम चेक करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमने इसका निकाल दिया है। इसका जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर आप रीड कर पाएँ, देख सकते हैं 40N60। तो इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि मीटर में हम रेंज सेट करेंगे रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस पे जाके हम इसको, इसका शॉर्ट चेक करेंगे कि आया ये शॉर्ट है या नहीं। तब इसका ये वाला पिन, पोलैरिटी रिवर्स करके इन्हीं दो टर्मिनल को चेक करेंगे। ये डिवाइसेस या ये टर्मिनल, इसका जो IGBT, ये शॉर्ट है, इसको शॉर्ट करके हम इसको अभी चेंज करेंगे। चलिए इसको चेंज करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमने ये टर्मिनल चेंज किया इसका, देख सकते हैं कि ये वाला हमने नया लगा दिया इसमें। अब इसके ऊपर हम इसके सर्किट को चेक करेंगे कि आया सर्किट हमारा वर्किंग करेगा या नहीं। तो इसके लिए हमने पावर को यहाँ पे देना होगा। ये है इसका न्यूट्रल और ये फेस, इन दो टर्मिनल पे हम पावर देंगे। लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि इसके इस साइड पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो आपने नीचे सरफेस को साफ़ करना चाहिए, ताकि कोई कनेक्ट या कोई कागज़ वगैरह रखना चाहिए बराबर। ये कनेक्ट हो गया, अब ये हमारे पास आ गए, हम इसको पावर दे रहे हैं। ये न्यूट्रल, ये इसका है फेस, इसको भी हम पावर ऑन करेंगे। आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये LED ब्लिंक कर रही है, जो मतलब हमें ये बता रहा है कि ये सर्किट अब सही हो गया। अब हम इसको आउटडोर यूनिट में लगाएंगे, तो आउटडोर यूनिट में लगाने से वो एरर अब सही हो जाएगा, मतलब वो एरर अब ख़त्म हो जाएगा।
तो चले आए इस दोस्तों इसको अब आउटडोर यूनिट में फिट करते हैं। और उसमें इससे पहले लगाने से हम इसके ऊपर ये हीट सिंक इसका लगा देंगे, यहाँ पे जो हीट सिंक है। लेकिन अभी आपने ये ख्याल करना है कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा है इस कैपेसिटर को आपने डिस्चार्ज करना है ये। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इसको डायरेक्ट चार्ज मत डिस्चार्ज मत किया करें, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट डिस्चार्ज करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है ना स्पार्क जनरेट होगा। तो उससे बेहतर है कि आप इसके ऊपर कोई लोड लगा दे, कोई मतलब एलईडी या कोई और पावर चीज़ इस तरह लगा दे जो इसको स्लोली डिस्चार्ज करे। तो आए हम इसको अभी डिस्चार्ज करते हैं किसी तरीके से। ये हमारे पास एक लैम्प है तो हम इसको अब लैम्प की मदद से डिस्चार्ज करते हैं। तो आपने देख लिया इसको हमने डिस्चार्ज किया, लेकिन एक लैम्प की मदद से। कोशिश करें कि इससे भी हाई रेजिस्टेंस का लैम्प आप यूज़ करें। ये सारी बातें सेफ्टी के लिए हैं, आपने बहुत एहतियात करनी है कैपेसिटर से। अब ये हम अगर यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो आप देख सकते हैं कि शायद अभी कुछ ना कुछ वोल्टेज बाकी हो। अभी 97 वोल्ट डीसी है, थोड़ा वेट करते हैं या डिस्चार्ज हो जाएगा। जी
बाद।